बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार सी स्वीट डिश की रेसिपी लेकर के आई हूँ, स्ट्रॉबेरी व्हिप क्रीम। बनाना बहुत ही आसान, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। स्ट्रॉबेरी व्हिप क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में 250 ग्राम स्ट्रॉबेरी लेंगे, उसमें 3 खाने के चम्मच हम चीनी डालेंगे और 1/2 कप पानी डाल के इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। और फिर इसके बाद फिर हम इसको किसी पैन में डाल करके 3 खाने के चम्मच इसमें हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे और इन दोनों चीज़ों को फिर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर में कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो अब हम इसको हल्की आंच पे पकाना शुरू करेंगे। स्ट्रॉबेरी में उबाल आने के बाद तकरीबन हम इसको 6-7 मिनट ही पकाएंगे, और इस तरह से जब इसका पानी खुश्क हो जाए और ये गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो जाए तो फिर हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। और अब इस पेस्ट को ठंडा करने के लिए हम 10-15 मिनट तक के लिए फ्रिज में रखेंगे। जब तक स्ट्रॉबेरी का पेस्ट फ्रिज में ठंडा हो रहा है, हम क्रीम तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक बाउल में हम 200 ग्राम व्हिपिंग क्रीम डालेंगे। याद रहे कि क्रीम ठंडी और यख होनी चाहिए। बीटर की मदद से हम अच्छी तरह से क्रीम को बीट करना शुरू करेंगे और क्रीम का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, और अच्छी तरह से हम क्रीम को तकरीबन 5-6 मिनट तक के लिए कंटिन्यूसली हम इसको बीट करते चले जाएंगे। इसके बाद एक जबरदस्त सी थिक क्रीम हमारे पास तैयार है। अब इसके अंदर हमने जो स्ट्रॉबेरी का पेस्ट तैयार करके रखा है वो अब हम इस क्रीम में शामिल कर देंगे। और अब इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से बीटर की मदद से मिक्स करना शुरू करेंगे। स्ट्रॉबेरी पेस्ट को क्रीम में तकरीबन हम 5 मिनट तक बीटर की मदद से मिक्स करेंगे। और हमारे पास जबरदस्त सा मजेदार सा स्ट्रॉबेरी व्हिप्ड क्रीम तैयार हो जाएगा। देखें कितना स्मूथ सा हमारे पास स्ट्रॉबेरी व्हिप्ड क्रीम तैयार है। अब आप इसको किसी भी बॉल में निकालें और अपनी तरीके से इसको सेट करें, इसको सजाएं। इसको 2-3 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखें और इसको आप फिर मज़े से खाएं। बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी लेके दोबारा हाजिर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।